इफ यू वॉन्ट टू स्पॉइल योर टाइम देन आई एम गिविंग यू फ्यू मेथड्स एंड आई बेट डैट इफ यू फॉलो दीज अ होल ईयर कैन स्लिप आउट ऑफ योर हैंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड Day began with sunshine, but wait, you don't have to rise up. I am telling you very profoundly that you don't wake up early in the morning. Let me give you some suggestions how not to get up in the morning. I am giving you some advice which help you to achieve this. Number one, use your mobile phone before going to your bed at night. Why I am telling you this, let me explain. जो फ़ोन होता है वो ब्लू लाइट रिलीज़ करता है, तो रात को हमारे शरीर में केमिकल होता है मेलाटोनिन नाम का, स्लीपिंग केमिकल, उसका लेवल रिड्यूस हो जाता है और इससे हमारे ब्रेन को ये लगता है कि अभी तो रात हुई नहीं है, तो उसे नींद नहीं आती, और उसे जब रात को नींद नहीं आती तो कब सोएगा, दिन में। तो शरीर को दिन में नींद आती है, दिन में आलस आता है, दिस इज़ ऑल्सो हेल्प यू टू डेवलप योर लेजीनेस। नंबर टू, ईट योर डिनर लेट एट नाइट एंड ईट हैवी फूड। रात को क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं उनका लेवल बहुत कम होता है, और आप हैवी फूड खा रहे हैं तो हमें डाइजेस्ट करने के लिए उन एंजाइम्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा एनर्जी वो कहाँ से लेंगे, ब्लड से लेंगे। अब ब्लड से लेंगे तो जो भी ऑर्गन्स होंगे उनके ब्लड से एनर्जी ली जाएगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी ब्रेन से ली जाती है ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम बार बार ये करते रहेंगे तो उस ऑर्गन में ब्लड का लेवल कम हो जाएगा और ग्रेजुअली उस ऑर्गन में डैमेज आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बहरहाल इसे साइड रखते हैं, इस डाइजेशन प्रोसेस से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा और आपका स्लीपिंग कोटा भी बढ़ जाएगा, अपने को तो ज़्यादा सोना है ना, तो ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है, यू कैन ट्राई इट। पॉइंट थ्री, डोंट मेक टू डू लिस्ट, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने से आप ये तय करते हैं कि मुझे कल सुबह उठ के क्या करना है, तो जब आप ये तय करते हैं तो और सो जाते हैं तो रात को सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी बातें घूमती रहती हैं और आप अवेक हो जाते हैं, आपका ब्रेन आपको अवेक कर देता है सुबह कि उठो भाई आपको काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव ट्रेन एट 5 AM नेक्स्ट डे, देन यू विल पुट इट इन योर सबकॉन्शियस माइंड दैट मुझे सुबह 4 बजे उठना है क्योंकि मेरी ट्रेन है, आई हैव टू कैच द ट्रेन। सो आप बिना अलार्म लगाए भी 4 बजे उठ जाएंगे, आपने कई बार अक्सर देखा होगा। इसी तरीके से अगर आप टू डू लिस्ट बना के सोएंगे तो आपको उठने में आसानी होगी, तो आप टू डू लिस्ट बना के ना सोएं। अब आप लेट उठे हैं और आपके पास कुछ करने को भी नहीं है, यू डोंट हैव एनी टारगेट टू अचीव, सो योर टेलीविज़न एंड योर मोबाइल फ़ोन आर द बेस्ट फ्रेंड, स्टिक इट आउट टू देम। Use Facebook, Instagram and other social medias. Scroll, just go on scrolling. Don't worry. If you are bored by doing so, then you will better off with games. There are many games available in the market. I am certainly sure that this can snatch you a lot more time from you. And now, if you are student, then your class is going on online. Don't worry, there is an option of mute in all classroom sites. Mute it, chill. Don't have to contemplate about your future. Just chill. Now the choice is in your hand. Do you really want to live your life like this? Then why are you wasting your most energetic phase of your life? If you want to change, then do all the things opposite which I have said. Remember, yaar, we are the youngest country in this era, and we as a youth, if we plunge into the ocean of these useless stuffs, then don't you think we are degrading ourselves as well as our whole nation? There are many leaders who
वर्किंग हु आर वर्किंग विद द यूथ टू नरिश द कंट्री सम हाउ एनकरेज द यूथ बट वी एज अ यूथ एज अ रिजल्ट वट वी आर गिविंग दैम वी मीन्स नो रेवरेंस टू दैम रिमेंबर फ्रेंड्स द टाइम यू एंजॉय वेस्टिंग इज नॉट द वेस्टेड टाइम जय हिंद.